नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके एक रिपोर्ट की, चूंकि दिनांक 9 मई से ये काफी चर्चा में है ये रिपोर्ट। अब ये है कि मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 3 फेज संपन्न हो चुके हैं, 4 फेज के चुनाव बचे हुए। कई तरह की बातें जो चुनाव के दरमियान आई हैं सत्तारूढ़ दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कभी मंगलसूत्र का इशू आया, कभी फ्लैट के बिक्री का आया, कभी भैंस बांट देने की बात आई, उसके बाद आते आते आया कि मंदिर, राम मंदिर पर बाबरी ताला की बात आ गई, तो अदानी अंबानी की बात आ गई। इन बातों को लेते हुए मैं समझता हूं कि इस बीच एक इशू आ गया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के एक बयान का। तो हो यह रहा है कि बहुत सी बातें जो आ रही हैं, तो पहले जो चुनाव के शुरू होने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेतागण ये कहते थे 400 पार, तो लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश था। लेकिन जैसे जैसे इस तरह की बातें आ रही हैं, तो अब 3 फेज के चुनाव से भी स्पष्ट हो गया है कि लहर किन्हीं की नहीं है। स्पष्ट मतलब है कि लहर जब किन्हीं की नहीं है, तो जो वोटर एनडीए का पक्षधर है वो उनके साथ है लेकिन अग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, जो इंडिया का पक्षधर है वो उनके साथ है तो वो भी अग्रेसिव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है एनडीए की ओर से, तो इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर एनडीए में अंदर खाने बहुत हो सकता है कि इंटरनल सर्वे कुछ इस तरह का हो जिसके कारण वहां बेचैनी ज्यादा है। तो परिणाम यह हो रहा है, मैं एक व्यू अपना रख रहा हूं कि इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन अपील करते हैं अपने लीडर पैड पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को कि नेशनल इंटरेस्ट में आप वोट करिए, तो यह भी एक इनडायरेक्ट वे में जब ये चर्चा होती है कि 102nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिला, तो ये सब बातें जनता में जो जा रही हैं, तो उससे मैं समझता हूं कि जो वैसा वोटर जो न्यूट्रल है अभी वह अपोह में है कि वो किधर जाएगा, इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा कि एनडीए गठबंधन की ओर जाएगा। उसमें भी ये फीलिंग आ रही है कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है उनमें अंदर खाने कुछ न कुछ ये लग रहा है कि जैसा आसान सोचा गया था चुनाव को वैसा है नहीं, बहुत ही कड़ा मुकाबला है और परिणाम किसी भी तरफ जाने की स्थिति लगभग आ गई। इस बीच जब 9 मई को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, उनका जब एक रिपोर्ट आया, एक तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इसी के जो चेयरमैन हैं उन्हीं के एक जो बहुत पहले एक लेख आ गया था जिसके कारण पूरे देश में एक विवाद का विषय हो गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया है, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, और जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं उनमें एक मैसेज गया था कि चूंकि ये हैं तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड, लेकिन ये माना जाता है कि इनकी जो भावना थी कहीं ना कहीं इंटरनल जो सत्तारूढ़ दल है उनकी भावना थी, जिसके कारण अपने बचाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ कहना पड़ा। अब जो 9 मई को स्टेटमेंट आ गया पॉपुलेशन कि जो 2050-51 में जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है पॉपुलेशन के मामले में, और उन्होंने ये बतलाया कि हिंदुओं का जो पॉपुलेशन का परसेंटेज था 1951 में वो था 84.68%, जो अब 78.06% है, जबकि मुसलमानों का जो पॉपुलेशन रेट परसेंटेज 9.84% था 1950-51 में, वो अभी 14.09% है। ठीक है, हो सकता है कि अभी इसमें मैंने जो सर्च किया कि
ये डाटा को सेंसस के फिगर्स से, तो ये आया कि हिंदुओं की आबादी जो 1951 में 30 करोड़ 40 लाख थी, वो अब 96 करोड़ 60 लाख है 2011 में, और मुसलमानों की आबादी जो 3.5 करोड़ थी 51 में, वो अब 17 करोड़ 20 लाख है। तो इसमें ये बतलाया, ये भी स्पष्ट है कि हिंदुओं से थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों का अधिक। लेकिन उसके बाद के डाटा में मैंने देखा कि 1990 के बाद ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो घटा है। अब जो ओवरऑल जो घटा है वो 2.2% से घटकर अब 1.6% पर आ गया है 71 और 2011 के बीच में। तो ये एक अच्छी घटोत्तरी है। और इसमें एक और फिगर जो मैंने देखा कि जो स्थिति थी 1951-61 के बीच में जो था, कि पूरा जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 21.6 था, जिसमें हिंदुओं का 20.7 था जबकि मुस्लिमों का 32.7 था। 1961-71 वाले में 24.8 था ओवरऑल, और हिंदू मैंने अन्य धर्म को नहीं लिया, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को मैंने नहीं लिया है, मेनली सिर्फ हिंदू मुस्लिम। तो हिंदुओं का 23.7 ग्रोथ था जबकि मुस्लिमों का 30.9% था। 71-81 वाले में ओवरऑल 24.7 था जबकि हिंदुओं का 24 और मुस्लिमों का 30.7 था। 1981-91 में ओवरऑल था 23.9, हिंदुओं का था 22.7 और मुस्लिमों का 32.9। और 1991 से 2001 वाले में 21.5 था ओवरऑल, हिंदुओं का था 19.9 और मुस्लिमों का था 29.4, जबकि 2011 वाले में 17.7 ओवरऑल, हिंदुओं का 16.7 और मुस्लिमों का 24.7। यहाँ पर मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूँगा कि ठीक है कि हिंदुओं के ग्रोथ से ज़्यादा है मुस्लिमों का, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि यदि 1981 से 91 के बीच में देखें तो मुस्लिमों का ग्रोथ रेट था 32.9, जबकि 1991 से 2001 के बीच वो घटकर 29.4 हुआ, अर्थात 3.5 का अंतर पड़ा। और 2001 से 11 में 29.4 से घटकर ये मुस्लिमों का आ गया है 24.7, तो इसमें लगभग 5 का अंतर हुआ है। ये घटने की रफ्तार काफ़ी तेज है, और इससे लगता है कि चूंकि मुसलमानों में गरीबी अधिक है अनुपातिक तौर पर और अशिक्षा भी अधिक है, तो जो भी सरकारें, मैं समझता हूं कि अभी 10 वर्ष से चूंकि एनडीए की सरकार रही है तो निश्चित तौर पर इन पर भी उत्तरदायित्व बनता है। यदि पिछले की सरकारों को अगर ये कहा जाएगा कि नहीं उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप पर भी ये उंगली उठेगी, चूंकि 2021 का तो सर अभी सेंसस हुआ ही नहीं और इस सेंसस में क्या ग्रोथ रेट रहता है। लेकिन मेरा एक भारतीय रूप के नाते ये कहना जरूरी है कि जिस वर्ग में गरीबी और अशिक्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर बच्चे जो पैदे होते हैं उनकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होती है, और जहाँ शिक्षा का स्तर ऊँचा है, धनी होने की स्थिति अच्छी है, उनमें उन परिवारों में ये सोच होती है कि बच्चे एक या अधिकतम दो हों। और इस पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में, वरन मुस्लिम जो परिवार हैं, हम लोगों के भी जो साथी संगी हैं उसमें मैं देखता हूँ कि ये असर आ रहा है। लेकिन एक जरूर यहाँ पर मैं इंगित करना चाहूँगा एक भारतीय नागरिक के रूप में कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी किया जब 3 फेज का लोकसभा चुनाव हुआ है, तो बेवजह एक विवाद का इशू हो गया और विपक्ष को भी एक मौका मिला कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम की ओर जाए। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ा जाए।
ये देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।